हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए, क्लास 9th यानी हाई स्कूल फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं। गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर, गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। आइए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आइए देखते हैं। गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमारों के लिए पहले दर्जे के परिचायक थे। नर्स मीन्स होता है परिचायक, यानी देखभाल करने वाले, मरीजों के साथ देखभाल करने, मरीजों का देखभाल करने वाले। गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी गरीब बीमारों के लिए पहले दर्जे के परिचायक थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज अ मिस्ट्री। उन्होंने परिचायक का काम कहाँ से सीखा था, रहस्य था, ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने कहाँ से सीखा था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ये नर्सिंग स्कूल। उन्होंने निश्चित रूप से इसे किसी नर्सिंग स्कूल से इसकी पढ़ाई नहीं की थी। एज इन मैनी अदर्स थिंग्स, जैसा कि दूसरी अन्य बहुत सी चीज़ें हैं, नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ। जब उनके जीवन में परिचायक का काम आवश्यक हो गया, ही लर्न्ड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने इसे कठिन परिश्रम के रास्ते सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्संस केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। आश्रम में सभी बीमार लोग उनके सीधे देखरेख में रहते थे। डॉक्टर्स ओवर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर की भी सलाह ली जाती थी, बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन। लेकिन बीमार लोगों की देखभाल गांधी जी ही करते थे। इट वॉज अ जोक स्पेशली एमंग यंग पीपल इन द आश्रम। आश्रम में विशेष रूप से नवयुवकों के बीच यह मजाक की बात प्रचलित थी दैट इफ यू वॉन्टेड टू सी गांधी जी, कि यदि तुम गांधी जी से मिलना चाहते हो, एवरी डे प्रत्येक दिन, एंड टॉक टू हिम और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स और उनसे मजाक सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तो तुम्हें केवल बीमार होना होगा, एंड गेट इन टू बेड और बिस्तर पर लेटना होगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे। गांधी जी प्रत्येक रोगियों के पास प्रत्येक दिन जाते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बिताते थे एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बिस्तर पर। हिमसेल्फ स्वयं सा टू थिंग्स केयरफुली, चीज़ों को बारीकी से देखते थे, ध्यानपूर्वक देखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक आर टू, और एक दो मजाक करने से नहीं चूकते थे विद द पेशेंट, रोगियों के साथ। देयर वॉज नो डे, कोई दिन नहीं था टू बिजी, यानी कोई दिन व्यस्त नहीं होता था फॉर गांधी जी के लिए टू अटेंड सिक पर्सन, कि वह रोगियों के पास ना जा सकें। देयर वॉज वंस ए यंग लैड हु बेंट डाउन विद डायसेंट्री। एक बार एक नवयुवक लड़का पेचिस से पीड़ित हो गया। डायसेंट्री मीन्स होता है पेचिस रोग। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रमा फूड। उसने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया कि वह आश्रम का भोजन स्वयं बना सके, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती थी, बट इन द आश्रमा, लेकिन आश्रम में देर वॉज नो कॉफ़ी
फॉर हिम उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी, नार वाज कॉफ़ी अलाउड और ना ही कॉफ़ी की अनुमति थी। इन गुड टाइम अच्छे समय में ही गॉट रिड ऑफ हिज डायसेंट्री, उसे अपनी पेचिस से छुटकारा मिल गया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और वह अच्छा प्रतीत कर रहा था, यानी अब वो ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स, गांधी जी उसके पास कुछ मिनट के लिए आते। एवरी डे प्रत्येक दिन, ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स अपने दौरे पर के दौरान, दोज फ्यू मिनट्स वे कुछ मिनट वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड, गरीब लड़के के लिए टॉनिक का काम करता था। ही पाइंट फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, वह एक कप कॉफ़ी की इच्छा रखता था। वन डे एक दिन ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक दिन वह दिन में सपने देख रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के खड़ाओं की, लकड़ी से बनी हुई खड़ाओं जो पाँव में पहनते हैं। आजकल तो स्लीपर चलता है, चप्पल वगैरह जूते चलते हैं, पहले लकड़ी का चलता था पाँव में पहनने वाला। तो सैंडल्स मीन्स आप समझते ही हैं, चप्पल होता है स्लीपर्स। तो गांधी जी के लकड़ी से बने हुए खड़ाओं को सुनता है। ये मिनट लेटर, एक मिनट बाद गांधी जी इंटर्ड, गांधी जी प्रवेश करते हैं विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल, अभी अपनी कभी ना जाने वाली मुस्कुराहट के साथ। एंड चेयरिंग वर्ड्स, और मजाकिया शब्दों के साथ। ही लुक्ड एट द लैड एंड सैड, उन्होंने लड़के को देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम बेहतर हो गए हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर अपेटाइट, तुम्हें अपनी पेट से अब छुट्टी मिल चुकी है, यानी तुम्हारा पेट अब ठीक हो चुका है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। आ सम गुड उपमा आर तुसाई, अरे कुछ उपमा और तुसाई। गांधी जी इविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, गांधी जी अच्छी तरीके से जानते थे अबाउट लैड पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, यानी दक्षिण भारतीय लड़कों के पसंद की जाने वाली दक्षिण भारतीय व्यंजनों को। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगेस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, नवयुवक लड़के के अचानक दिमाग हिल गया, यानी झिझोड़ उठा। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। ही ब्लेटर्ड आउट, ही ब्लेटर्ड आउट, बिना पूर्व में विचार किए हुए उसने कहा, यानी बिना सोचे समझे उसने कहा। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया विथ ए पील ऑफ लाफ्टर, हंसी के साथ। ओह यू ओल्ड सिनर, अरे तुम पुराने पापी हो। दैट इज व्हाट यू वांट, जो कि तुम चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, तब लड़के के चेहरे को देखते हुए उन्होंने जोड़ा, यू सर्टेनली, तुम वास्तव में सेल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, यू सर्टेनली, तुम्हें निश्चित रूप से सेल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हारी एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी। यस, हाँ, लाइट कॉफ़ी, हल्की कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, तुम्हारे पेट के लिए अच्छी होगी। एंड व्हाट विल यू हैव विथ द कॉफ़ी,
और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, वी कैन मेक उपमा और थोसाई, कि मैं उपमा और थोसाई बना सकता हूँ, बट वार्म टोस्ट, लेकिन गर्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ अच्छी रहेगी। आई शैल सेंड यू ये ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा। विथ दैट, उसके साथ, एंड ये काइंड पार्टिंग वर्ड, गांधी जी लेट द रूम, और उस शब्दों के साथ गांधी जी ने कमरा छोड़ दिया। द लैड ले वेटिंग, लड़का लेट कर इंतज़ार करता रहा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपनी अच्छी किस्मत पर विश्वास नहीं हो सका। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ, और गांधी जी स्वयं, ऑफरिंग टू सेंड इट टू हिम, उसे भेजने के लिए स्वयं उन्होंने ऑफर किया। तो अब यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनने पाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।